बिग बॉस सीजन 12 को जीतने के बाद से ही काफी ज्यादा छाई हुई है बिग बॉस सीजन 12 की विनर दीपिका कक्कड़। जी हाँ, दीपिका कक्कड़ जीत गई इस शो को। हर किसी का भले ही ये कहना हो कि वो इस शो को जीतने के लायक नहीं थी, डिजर्विंग बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने श्रीशांत के पीछे रहकर ही इस गेम को खेला है, शो को जीता है, और अब इस बात का घमंड भी उनमें चढ़ने लगा है। भाई ये क्या बात हुई, हर किसी को यही देखने को मिल रहा है इस वक्त, और सोशल मीडिया पर यही नजर आ रहा है कि किस तरह से दीपिका कक्कड़ को घमंडी कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो शो को जीतने लायक एक महिला थी ही नहीं, खामा खाए शो फिक्स्ड करके दीपिका कक्कड़ को शो जिता दिया गया। वेल, जो भी हो, और इसी के साथ सोशल मीडिया पर तो इस तरह की बातें भी है कि अपने घमंड का इस्तेमाल खूब करती है वो, और वहीं शो को जीतने के बाद इस बात का इस्तेमाल भी वो कर रही है कि अपने पति शोएब इब्राहिम की आने वाली फिल्म को भी वो प्रमोट कर रही है अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए, जिस फिल्म का नाम है बैटलॉन 609, जो रिलीज होगी काफी जल्द ही। अब इस फिल्म के प्रमोशन में काफ़ी हद तक जुड़ी हुई हैं दीपिका कक्कड़ अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ, तो वहीं दूसरी ओर दीपिका कक्कड़ को ये होश नहीं कि किस तरह से लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। वेल, इसी तरह का हाल हर किसी सेलेब का रहता ही है, देखने को यही मिलता है कि सेलेब अगर थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए और फिर उसके बाद उनके फैंस, उनके हेटर्स उन्हें ट्रॉल करने ही लगते हैं सोशल मीडिया पर, और इस बात का ध्यान ना देते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही ये सभी सेलेब पसंद करते हैं।